कांग्रेस यादव, दिल्ली हम जाएंगे, दिल्ली हम जाएंगे, दिल्ली हम जाएंगे। हमने निर्णय लिया है कि अब हम दिल्ली राष्ट्रपति भवन पैदल जाएंगे। हमारे सभी साथी पैदल गाड़ियों से, घोड़ों से, सब साधनों से दिल्ली के लिए आज हमने कूच कर दिया है। और ये आज की जो हमारी पदयात्रा है, नहरी पानी एसओएल नहर का निर्माण हो, भारत सरकार इसका निर्माण कराए, पंजाब सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर हमें हमारे हक का पानी दे, इस मुद्दे को लेकर हम दिल्ली राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति जी संज्ञान लो, हम प्यासे मर रहे हैं, हमारी हजारों एकड़ धरती प्यासी है, पानी के अभाव में हम फसल नहीं ले पा रहे, नलवाटी में तो हमारे पास कोई नहर भी नहीं है, डार्क जोन हो गया है, धरती में और ट्यूबवेल खोद नहीं सकते, तो चारा क्या है राष्ट्रपति जी? या तो भूखे मरे किसान, या आप हमको पानी दो, क्योंकि नहरी पानी के अलावा कोई चारा नहीं है इस अहिरवाल की धरती को बचाने का। इसलिए हम पैदल जा रहे हैं, जब पानी ही नहीं है तो जीवन नहीं है, और ये हमारा हक है। और प्रधानमंत्री जी, हमारे सभी किसान संगठन हैं, फौजियों के संगठन भी हैं, कर्नल भूख सिंह जी भी हैं, राष्ट्रीय नव चेतना के अध्यक्ष भाई विजय सोमानी जी भी हैं, ये वो लोगों की टीम है जो तीन बार राष्ट्रपति भवन तक पैदल जा चुके हैं, और आज हम चौथी बार जा रहे हैं, और मुझे लड़ते लड़ते 3 दशक हो गए, अब और जीकर के भी क्या करेंगे, इस बार तो चाहे हमारी जान जाए, हम पानी लेकर के आएंगे दिल्ली से। अगर आपकी बार अगर आपके हाथ में फैसला नहीं आता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो भगवान बताएगा। जब आपको कह दिया हमने कि हम अपनी जान दे देंगे बगैर पानी नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट इस पे फाइनल ऑर्डर कर चुकी है, भारत सरकार को चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट को बर्खास्त करे और इस पे एक एग्जीक्यूशन कमेटी बनाकर इस पे काम करे, और किसान संघर्ष समिति, राष्ट्रीय नवचेतना मंच इस संघर्ष को बराबर चलाए।